नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज छोटे कारोबारियों को एक बड़ी राहत का ऐलान कर दिया है, लेकिन इनकम टैक्स में छूट का इंतजार करने वालों का सस्पेंस अभी बना हुआ है। अरुण जेटली ने कहा कि इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव पर फैसला सही वक्त पर लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने छोटे कारोबारियों को राहत देते हुए कहा कि डिजिटल पेमेंट करने वाले कारोबारियों को टैक्स में 2% की छूट मिलेगी। 2 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले कारोबारियों को यह राहत मिलेगी, लेकिन इनकम टैक्स पर फिलहाल अरुण जेटली ने कुछ भी बोलने से इनकार किया है। क्या छूट का ऐलान किया, सुनिए। सेक्शन 44AD इनकम टैक्स एक्ट के तहत इसके पीछे उद्देश्य यह है कि इस साल बजट में हम लोगों ने घोषणा की थी कि जितने छोटे व्यवसायिक हैं, ट्रेडर्स हैं, वर्कशॉप ओनर्स हैं, जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है, अगर वो अकाउंट्स बुक्स नहीं रखते हैं और अपना टैक्स असेसमेंट चाहते हैं, तो उनकी इनकम का एक अंदाजा लिया जाएगा, जिसको कि प्रिजम्प्टिव इनकम कहते हैं, और उनकी प्रिजम्प्टिव इनकम 8% मानी जाएगी। मान लीजिए 2 करोड़ की टर्नओवर है तो इनकम 16 लाख रुपया मानी जाएगी, और उस 16 लाख में जो सेक्शन 80 के तहत डिडक्शंस हैं, अगर वो चाहे तो और भी अवेलेबल कर सकते हैं, और इसलिए उसको उस इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा, उसको कोई अकाउंट बुक्स प्रोड्यूस नहीं करनी पड़ेगी। अब इस छोटे व्यवसायिक को डिजिटल इकोनॉमी की तरफ वो जाए, इसमें एक अमेंडमेंट कल हम लोगों ने किया है, और वो अमेंडमेंट ये है कि जितनी भी अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस अपनी इस 2 करोड़ तक टर्नओवर में वो डिजिटल मोड से करता है या चेक मोड से करता है, तो उसकी प्रिजम्प्टिव इनकम 8% नहीं मानी जाएगी, लेकिन 6% मानी जाएगी। अगर वो कैश ट्रांजैक्शंस करता है तो उसकी इनकम जैसे 2 करोड़ रुपए पे 16 लाख होगी, और अगर वो डिजिटल मोड से करता है या चेक मोड से करता है तो उसकी इनकम 2 करोड़ की टर्नओवर पे केवल 12 लाख मानी जाएगी। तो इसलिए उसको बहुत सिग्निफिकेंट टैक्स का बेनिफिट होगा।